सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बेब्लेडर्स के बारे में जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो डार्क पावर को अचीव करे। एंड ऑब्वियसली ये पूरी हाइपोथेटिकल वीडियो होने वाली है, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड ये सारे जो ब्लेडर्स अगर ये डार्क पावर में चले गए तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो चलो बिना किसी देरी का आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला जो डार्क ब्लेडर है, डार्क तो नहीं पर जो ब्लेडर है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो डार्क पावर अचीव करे, वो है लुई चिरोसागी। सो गाइस पर्सनली आई थिंक जो लुई है ना, अगर वो डार्क पावर में चले जाता था ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था देखने में, क्योंकि लुई विदाउट डार्क पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड भाई वो ईविल वाइब्स देता है, लाइक डार्क पावर हटा दो फिर भी भाई उससे ईविल वाइब्स ही आएंगी। एंड अगर उसके पास डार्क पावर आती तो यार उसके पर्सनैलिटी के साथ वो काफ़ी मैच करती, सो ऑब्वियसली हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता देखने के लिए। सो यस, जो लुई है अगर वो डार्क पावर को अचीव करता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। सो गाइस जो सेकंड ब्लेडर है जो कि मैं चाहता हूँ जो कि डार्क पावर को अचीव करे, वो है डाइगो कुरोगामी। सो गाइस डाइगो के बारे में बात करूँ तो यार डाइगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क वाइब्स मुझे तो देता है, आई डोंट नो वाई। तुम उसका अपेयरेंस ही देखो यार, उसके क्लोथिंग देखो, पूरा लाइक डार्क वाला वाइब ही देता है वो। एंड भाई वो जब बैटल करता है ना तो भाई मुझे ये लगता भी नहीं है कि डार्क, मतलब ये डार्क ब्लेडर है नहीं, क्योंकि जब ये बैटल करता है तो यार इसका बीट बीस्ट तो नहीं, जो भी अवतार है जो भी, देखने से ऐसा ही लगता है कि भाई ये जो है डार्क ब्लेडर है भाई, ऐसा लगता है। सो इसलिए यार अगर डाइगो के पास डार्क पावर आता तो देखने में काफ़ी मज़ा आता। आई थिंक ये एक काफ़ी मस्त एलिमेंट हो सकता था बेब्लेड बर्स्ट के फर्स्ट सीजन में, जहाँ पे डाइगो के पास डार्क पावर होता थोड़ा था। सो यस, जो डाइगो है अगर उसके पास डार्क पावर होता तो देखने में मज़ा आता। सो गाइस जो थर्ड ब्लेडर है जो कि मैं चाहता हूँ डार्क पावर को अचीव करे, वो है फ्रीडला होया। सो गाइस फ्री के बारे में बात करूँ तो मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने फ्रीडला होया के डार्क पावर के बारे में बात की है। सो मैं चाहता हूँ कि फ्रीडला होया भी डार्क पावर को अचीव करे, एंड अगर वो डार्क पावर अचीव करता है तो ऑब्वियसली वो अनबीटेबल हो जाएगा। एंड हाँ यार, अगर फ्रीडला होया जो है वो मेरा फेवरेट बिल्डर है, एंड अगर वो डार्क पावर अचीव करता है तो वो एक अलग ही लेवल का बिल्डर बन जाएगा, टॉप फर्स्ट में आ जाएगा भाई वो। सो यस, जो फ्रीडला होया है वो भी डार्क पावर को अचीव करे, ये मैं चाहता हूँ। सो गाइस द फोर्थ एंड द फाइनल ब्लेडर जो कि मैं चाहता हूँ जो डार्क पावर को अचीव करे, वो आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने गेस कर ही लिया होगा, यस डार्क वॉल्ट। सो गाइस डार्क वॉल्ट के बारे में बात करें तो मैंने भाई बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं डार्क वॉल्ट के ऊपर, एंड मतलब हाँ मेरे को देखना है वॉल्ट को डार्क पावर में। एंड हाँ गाइस, अगर आपने मुझे अच्छे से देखा मेरे चैनल को तो भाई पिछले वीडियोस कुछ वीडियोस से तो मैं डार्क पावर के बारे में ही बात कर रहा हूँ वॉल्ट के। सो यस, मैं चाहता हूँ कि जो वॉल्ट है अपना वो डार्क पावर को अचीव करे। सो यस, जो वॉल्ट है वो फोर्थ एंड फाइनल कैरेक्टर है जो कि मैं चाहता हूँ डार्क पावर यूज करते हुए। सो हाँ यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई और ब्लेडर है जो कि आप चाहते हो कि डार्क पावर को यूज करे तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone.